नमस्कार दोस्तों, आरजे जी कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम वापस साइंस का एक सेशन लेंगे एक और। इससे पहले आपको बता दूं कि मध्यकालीन भारत, राजस्थान अध्ययन और आप करंट अफेयर के बारे में डे टू डे जानना चाहते हो तो अन अकेडमी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक बात और कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है वो भी एक्टिवेट हो गया, उसका भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चलते हैं, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या होगा कि मनुष्य के शरीर में क्रैनियल तंत्रिका की संख्या होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन बना है ये कि मनुष्य के शरीर में क्रैनियल तंत्रिका की संख्या होती है 12 जोड़ी। आगे चलते, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है, तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है उसका नाम है टेकोफेरॉल। आगे चलते अगला क्वेश्चन के कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र है, जो कास्टिक सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र NaOH, और अगर इसका रासायनिक नाम पूछ ले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग दूध के जो प्लांट होते हैं उनमें भी इनका उपयोग किया जाता है, और साबुन बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है, और सार के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। आगे चलते कि विरंजक चूर्ण जिसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ये आपने टर्म सुनी होगी बहुत बार कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। विरंजक चूर्ण जो कपड़ों में चमक पैदा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे चलते कि ब्लीचिंग पाउडर को किसमें से गुजार कर तैयार किया जाता है, जो ब्लीचिंग पाउडर है इसको किसमें से गुजार कर तैयार किया जाता है कि बुझे हुए चूने पर से क्लोरीन, बुझे हुए चूने पर से क्लोरीन गुजार कर इसे तैयार किया जाता है, तभी ये क्या बनता है CaOCl2। आगे चलते हैं कि हरा तोता या हरा किशमिश, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हरा तोता और हरा किशमिश कशिश का रासायनिक नाम है वो है फेरस सल्फेट FeSO4। आगे चलते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम अक्सर गलत कर जाते हैं क्योंकि बचपन में हमने सुना है कि भाई लेड पेंसिल, जो लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है, तो उसका आंसर होगा 0, क्योंकि पेंसिल के अंदर होता क्या है, पेंसिल के अंदर एक मुलायम पदार्थ होता है जिसका नाम है ग्रेफाइट, उसका उपयोग शुष्क सनायक के रूप में भी किया जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि लेड पेंसिल के अंदर लेड का प्रतिशत है वो 0% है। और आपको पता हो कि हाल ही में मैगी, अभी कुछ सालों पहले मैगी को बैन किया गया था, उसमें लेड की मात्रा ज्यादा होने के कारण उसको बैन किया गया था, तो हम क्या कहेंगे कि लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होगा 0, याद रखना इस क्वेश्चन को। कौन सा तत्व सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बना है कि कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियली रूप से उत्पादित किया गया, उसका नाम था प्लूटोनियम। ठीक है, किसे यशद पुष्प कहते हैं, ये देखो ये क्वेश्चन अच्छा बना है कि किसे यशद पुष्प कहते हैं, उसे कहते हैं जिंक ऑक्साइड। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रोड्यूस गैस, ये आपका जो है LDC में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी जो हाल ही में एक शिफ्ट हुई थी 19 अगस्त वाली, उसमें पूछा था प्रोड्यूस गैस इनका मिश्रण है, किनका मिश्रण है, CO+N2 का मिश्रण क्या होता है प्रोड्यूस गैस। और एक और क्वेश्चन आपके LDC में जो पूछा गया था वो क्वेश्चन ये था कि ये ब्लीचिंग पाउडर वाला जो 12 अगस्त वाली शिफ्ट थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। मिलते हैं अगले वीडियो में।